मैं आरिफ भाई और तौफिक भाई के तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हम तीनों का यहाँ पे सत्कार लिया, मेरा, परवीन जी और वैष्णवी ताई का, कि तीनों महिला को पद मिला है। मेरे ख्याल से जब औरतों के पीछे आपके जैसे भाई होते हैं, चाहे अंदर से या बाहर से, उनको हमेशा दुआएं उनके साथ रहती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि तौफिक भाई और अरिफ भाई, आप दोनों आज इस स्टेज पे दिल से आपने यहाँ पे भाषण किया, तो हमारे मन में या साथ के मन में आप कभी भी कांग्रेस से अलग नहीं हुए थे, ना 2009 में हुए थे ना आज है। और आपको पता है और सबको पता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो शायद किसी की तो मजबूरी थी, या काली लगाने वाले कम नहीं है, हाँ जाबिर भाई यहाँ पे सब जुने लोग हैं, उनको तो पता है बहुत लोग हैं जो जलते हैं। और था जब मोदी सरकार आई थी, दूरी के वजह से कभी कभी ऐसे कदम उठा हमारे पास आते थे, हमने कहा था कि हमारे मन में नहीं है, ना कुछ था ना कुछ रहेगा और आगे भी नहीं रहने वाला है, क्यों, लोगों ने इतना दिया है, हम क्यों किसके विरोध में कुछ रखे। कभी वो वैसे ना साहब की आदत है और ना मेरी। और अरिफ भाई आपने कहा कि आप बहुत बार साहब ने जो सोलापुर के लिए नाम कमाया उसका फायदा, तो क्यों नहीं, क्योंकि ना मैंने ना साहब ने आमदार होने का, खासदार होने का, मिनिस्टर होने का हमने खुद फायदा नहीं किया, उसका फायदा हमने नहीं उठाया, ना हमारी बैंक है, ना कारखाना है, ना स्कूल है। तो अगर लोग कार्य करते ले रहे हैं तो क्यों नहीं, तब नहीं तो संगठना मजबूत ही नहीं होगी। और यही साहब का काम करने का तरीका रहा और यही मेरा। और मैं ये दुआ करती हूँ कि बहुत लोगों को कांग्रेस पार्टी के वजह से, या जो हमको कांग्रेस पार्टी पद दे रही उसके वजह से बहुत लोगों को फायदा हो। मेरे चुनके आने से अगर लोगों को फायदा नहीं होगा तो मेरा चुनके आने का कुछ मतलब ही नहीं था। और फायदा लेते रहो, क्योंकि अगर आपको फायदा होता है तो लोगों को फायदा होता है, सीधी सी बात है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। और आरिफ भाई, तौफिक भाई, मैं जानती हूँ कि आप लोग कितने ग्रासरूट पे काम करते हो, मतलब मैं सालों से देखती हूँ, यूं ही नहीं कोई आमदार को इतनी टक्कर दे सकता है यार।